एक बार टीना पूरी नाइट क्लब में स्पेंड करती है और फिर वो सुबह अपने घर जाती है। सुबह टीना के घर में जब टीना की मम्मी टीना के रूम में जाती है तो टीना अपने बेड पर मरी हुई मिलती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है। कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि टीना पूरी नाइट क्लब में थी, हम भी उसके साथ ही थे और वहां वो तीन लोगों से बातें कर रही थी। पुलिस उन तीनों को बुलाती है और उनसे क्वेश्चन करती है। सबसे पहले रोहन बोलता है कि मैंने टीना से रेस्टोरेंट चलने के लिए कहा था ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान सके, लेकिन टीना ने मना कर दिया। फिर मैंने उसे ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। फिर विकास बताता है कि मैं उन लड़कियों के घर नहीं जाता जो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती है। फिर रोहित बताता है कि हमने थोड़ी बहुत बातें की थी लेकिन वो मुझे मेरी टाइप की नहीं लगी, फिर मैंने ज्यादा बात नहीं करी। इन तीनों में से किसने मारा है टीना को? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। टीना को विकास ने मारा है, क्योंकि विकास को कैसे पता चला कि टीना अपनी माँ के साथ रहती है, मतलब कि वो टीना के घर गया था, उसने ही टीना को मारा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार विक्की अपने फ्रेंड्स के साथ क्रूज पर जाता है। विक्की क्रूज के डेक पर खड़ी होकर वहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ क्रूज का स्टाफ मेंबर आता है और वो अनाउंस करता है कि सब अलर्ट रहें, क्योंकि क्रूज में एक पागल घूम रहा है और वो किसी को भी नाइफ से मार सकता है। उसके पास एक नाइफ है। तभी विक्की अपने फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं। पहले वो मैसेज करता है शोभित को, फिर शोभित रिप्लाई करता है कि मैं एक बैंड कॉन्सर्ट में हूँ, मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ। फिर वो विक्की मैसेज करता है रेशमा को, तो रेशमा का रिप्लाई आता है कि मैं तो पूल में एंजॉय कर रही हूँ। फिर विक्की मैसेज करता है रोहन को, तो रोहन का रिप्लाई आता है मैं तो अपने रूम में रेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सी सिकनेस है। इन सब का रिप्लाई देखकर विक्की बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है कि इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। विक्की कैसे पहचानेगा कि कौन झूठ बोल रहा है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। झूठ बोल रहा है रोहन, क्योंकि जिसको भी सी सिकनेस होती है वो रूम में कभी भी नहीं रहता, और अगर उसको सी सिकनेस ही है तो वो विक्की के साथ क्रूज पर क्यों आया, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों, ये साइकिल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, छत के ऊपर साइकिल नहीं होनी चाहिए, ये इस पिक्चर में गलत है। चलिए एक और देखते हैं। दोस्तों अब आपके सामने ये वाली पिक्चर है, आपको इसे ध्यान से देखना और बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। ये देखिए दोस्तों, ये छतरी उल्टी है, ये इस पिक्चर में गलती है। दोस्तों क्या आप ढूंढ पाए थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा मिरर लगा हुआ था। उस कॉलेज में उस मिरर के बारे में एक बहुत बड़ी अफवाह थी कि जो भी उस मिरर के सामने 4:44 पर जाएगा वो मर जाएगा। तो इस टाइम पर सब डर की वजह से उस मिरर के सामने जाते नहीं थे। एक बार टीना, रीना और मीना जो कि उस कॉलेज की स्टूडेंट है, उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों 4:44 पर मिरर के सामने जाएंगे, फिर देखते हैं कि ये सच है या झूठ। थोड़ी देर में जैसे ही क्लॉक में 4:44 होते हैं, वो तीनों मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बहुत देर रुके रहने के बाद वो देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तीनों वहां से सेफली चली जाती है।
रीना और मीना तो क्लासेस ओवर होते ही घर चली जाती है, लेकिन टीना कॉलेज में अपना कुछ वर्क करने के लिए रुक जाती है। वर्क करते करते टीना को शाम हो जाती है। फिर टीना 7:16 पर उस मिरर के सामने जाती है, लेकिन जैसे ही वो सामने जाती है वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन ये कैसे हुआ? अभी तो टाइम 7:16 हो रहा है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। क्या आपको पता है 7:16 मिरर इमेज होता है 4:44 का। ये देखिए, और वो अफवाह मिरर में जो दिख रहा था उसकी थी। दोस्तों क्या आपको ये पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कैरेक्टर है, आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इसकी करेक्ट शेडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों, इस कैरेक्टर की करेक्ट शेडो ये है। चलिए एक और देखते हैं। अब आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इसकी कौन सी करेक्ट शेडो है। ये देखिए दोस्तों, इस कैरेक्टर की करेक्ट शेडो ये है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक शाम विकास गार्डन में अकेला घूम रहा था, तभी उसे सामने एक चिराग दिखता है। विकास उस चिराग को लेता है और फिर उसे रब करता है। जैसे ही विकास उसे रब करता है, उसमें से एक जिन निकलता है। जिन विकास से बोलता है, तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक ही विश मांग सकते हो। विकास थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर वो अपने घर जाता है और फैमिली से पूछता है। तो विकास की मदर बोलती है, बेटा मुझे आईज से दिखता नहीं है, तुम मेरे लिए आईज मांग लो। फिर विकास अपनी वाइफ से पूछता है, तो वो बोलती है कि मुझे बेबी चाहिए, तुम बेबी मांग लो। फिर वो अपने फादर से पूछता है, तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत सारा पैसा मांग लो, हम बहुत रिच बन जाएंगे। विकास सबकी बातें सुनता है और फिर नेक्स्ट डे जिन से सिर्फ एक विश मांगता है, और वो एक विश ऐसी मांगता है कि जिससे उसकी फैमिली पूरी खुश हो जाती है। दोस्तों वो ऐसी कौन सी विश मांगता है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। विकास जिन से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ अपनी आंखों से देखे। ये विश सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने ये पिक्चर है, आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों पिक्चर में कितने डिफरेंसेस हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में 3 डिफरेंसेस है। पहला ये, दूसरा ये यहाँ पे, और तीसरा ये। चलिए एक और देखते हैं। अब आपके सामने ये दो पिक्चर्स है, आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में कितने डिफरेंसेस है। देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में 4 डिफरेंसेस हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये यहाँ पे, और चौथा ये। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें एक आदमी है और 2 लड़कियां हैं। आपको इन तीनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इस आदमी की इन दोनों में से इसकी वाइफ कौन सी है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस आदमी की असली वाइफ ये वाली है, राइट हैंड साइड वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं इस आदमी ने भी ये वाला बैंड पहन रखा है और इस लड़की के हाथ में भी सेम वही बैंड है। मतलब कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है क्योंकि दोनों के पास सेम कलर का बैंड है। दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।